इस वीडियो में हम सीखेंगे स्मॉल एन से बनने वाली चीजों के नाम और स्मॉल एन को लिखने का तरीका। अपनी स्क्रीन्स की तरफ देखें। ये है स्मॉल एन एन। चलें अब हम एन से बनने वाली चीजों की तरफ चलते हैं। अपनी स्क्रीन की तरफ देखें। ये है स्मॉल एन और ये क्या है? ये जो लड़का किस तरफ इशारा कर रहा है, ये क्या है? नोज यानी नाक। एन नोज यानी नाक। एन नोज यानी नाक। चलें अब हम अगली तस्वीर की जानिब चलते हैं। चलें अपने सामने स्क्रीन पर देखें। ये क्या है? स्मॉल एन और ये बताइए ये क्या है? नेल यानी कील। एन नेल यानी कील। एन नेल यानी कील। अब हम स्मॉल एन को लिखने का तरीका सीखेंगे, लेकिन चले उससे पहले हम थोड़ा सा दोहरा लेते हैं पिछला। सबसे पहले मुझे ये बताइए ये क्या है? स्मॉल एन और ये बताएं ये क्या है? नेल यानी कील। और अब इस तस्वीर की तरफ आए और बताएं ये लड़का किस तरफ इशारा कर रहा है? नोज यानी नाक। चलें अब मैं आपको स्मॉल एन लिखने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले ये दीवी लाइंस को देखें। स्मॉल एन को हम इन दो लाइंस पर लिखेंगे जहां मैं नुक्ता लगा रही हूँ। इन दो लाइंस पर हम स्मॉल एन को लिखते हैं और अब मैं आपको स्मॉल एन लिखने का तरीका बताती हूँ। पहले आपने एक सीधी लकीर लगाई, फिर अपनी पेंसिल उठाए बगैर ऊपर आ गए सीधी लकीर के, फिर यहाँ से थोड़ा सा गोल किया और नीचे यहाँ पर लाकर रोक दिया और ये बन गया स्मॉल एन। फिर से लिखते हैं। एक सीधी लकीर लगाई, पेंसिल को उठाए बगैर वापस ऊपर आई, यहाँ से थोड़ा सा गोल किया और फिर नीचे ले आए और ये बन गया स्मॉल एन। यहाँ पर भी ऐसे ही लिखते हैं। एक सीधी लकीर, पेंसिल को उठाए बगैर ऊपर आए, यहाँ से थोड़ा सा गोल किया और फिर सीधी लकीर नीचे और ये बन गया स्मॉल एन। एक सीधी लकीर, पेंसिल उठाए बगैर ऊपर आए और यहाँ से थोड़ा सा गोल किया और नीचे एक सीधी लकीर। एक सीधी लकीर, पेंसिल उठाए बगैर ऊपर आए, यहाँ से थोड़ा सा गोल किया और फिर एक सीधी लकीर और ये बन गया स्मॉल एन। एक सीधी लकीर, पेंसिल उठाए बगैर ऊपर आ गए, थोड़ा सा गोल किया और एक और सीधी लकीर और ये बन गया स्मॉल एन। स्मॉल एन लिखते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि स्मॉल एन दरमियान की दो लाइंस पर आए। अगर वो दो लाइन से बाहर जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। और स्मॉल एन को हम लिखते कैसे हैं? एक सीधी लकीर, पेंसिल उठाए बगैर ऊपर आएंगे, यहाँ से थोड़ा सा गोल किया और फिर नीचे एक सीधी लकीर और ये हो गया स्मॉल एन। एक सीधी लकीर, पेंसिल ऊपर लेकर आए, यहाँ से गोल किया और एक और सीधी लकीर। एक सीधी लकीर, ऊपर लेकर आए, गोल किया और एक और सीधी लकीर और ये हो जाएगा स्मॉल एन। एक सीधी लकीर, पेंसिल उठाए बगैर ऊपर लेकर आए, यहाँ से गोल किया और एक और सीधी लकीर और हम स्मॉल एन को दरमियान की दो लाइंस पर लिखते हैं। अगर वो इन दो लाइंस से बाहर चला जाए तो वो गलत हो जाता है। चलें फिर से लिखते हैं। एक सीधी लकीर, ऊपर लेकर आए, यहाँ से गोल किया और फिर नीचे ले आए और ये बन जाएगा स्मॉल एन। एक सीधी लकीर, पेंसिल उठाए बगैर ऊपर आए, यहाँ पे गोल किया और नीचे ले आए
और ये बन गया स्मॉल एन। एक सीधी लकीर पेंसिल उठाए बगैर ऊपर आई, यहाँ से थोड़ा सा गोल किया और फिर एक और सीधी लकीर। तो ये था स्मॉल एन। कैसे लिखते हैं हम थोड़ा सा फिर दोहरा लेते हैं। दरम्यान की दो लकीरों पर हम लिखते हैं अपने स्मॉल एन को। पहले एक सीधी लकीर लगाते हैं, फिर थोड़ा सा उसको गोल करते हैं ऊपर से, और फिर नीचे एक सीधी लकीर लगा देते हैं। इस तरह से बन जाएगा हमारा स्मॉल एन। अब अगर आप चाहते हैं कि आप स्मॉल एन को बेहतर तरीके से लिख सकें, तो इस वीडियो को देखते हुए आप अपनी कॉपीज पर भी स्मॉल एन को लिखने की कोशिश करें। अब मैं आपका छोटा सा टेस्ट लूंगी। अपने सामने स्क्रीन पर देखें, आपको जो सब चीजें नजर आ रही हैं, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। अब आप मुझे बताएंगे। सबसे पहले इस तरफ आए और बताइए ये क्या है? स्मॉल एन। बिल्कुल ठीक, ये क्या है? स्मॉल एन। स्मॉल एन के नीचे देखें, अब आपको लाइंस बनी हुई नजर आ रही हैं। अब आप मुझे ये बताएंगे कि हम स्मॉल एन को कैसे लिखते हैं और किन लाइंस पर लिखते हैं। पहले आप मुझे ये बताइए कि स्मॉल एन को हम कौन सी लाइंस पर लिखते हैं? बिल्कुल ठीक, दरमियान की दो लाइंस पर। वेरी गुड। और अब मुझे ये बताएं कि हम स्मॉल एन को लिखते कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, पहले एक सीधी लकीर, फिर सीधी लकीर से पेंसिल उठाए बगैर ऊपर लेकर आएंगे और यहाँ से थोड़ा सा गोल करेंगे और फिर एक और सीधी लकीर, और ये बन जाएगा स्मॉल एन। पहले एक सीधी लकीर, पेंसिल उठाए बगैर ऊपर आएंगे, यहाँ से थोड़ा सा गोल करेंगे और एक और सीधी लकीर, और ये बन जाएगा स्मॉल एन। चलें इस तरफ देखें। अब इन तस्वीर की जानिब चलते हैं। इस तरफ देखें, अब ये जो बंदा है ये किस तरफ इशारा कर रहा है, ये बताइए ये क्या है? नोज। बिल्कुल ठीक, नोज यानी नाक। एन नोज, नोज यानी नाक। एन नोज, नोज यानी नाक। चलें अब अगली तस्वीर की तरफ आइए। अब मुझे बताएं ये क्या है? बिल्कुल ठीक, नेल। नेल यानी कील। एन नेल, नेल यानी कील। एन नेल, नेल यानी कील। इस वीडियो में हमने क्या सीखा? स्मॉल एन को लिखने का तरीका और स्मॉल एन से बनने वाली चीजों के नाम। अगर अब आप चाहते हैं कि आप स्मॉल एन की पहचान और अच्छे से सीख सकें, तो इस वीडियो को दोबारा देखें और स्मॉल एन को अपनी कॉपीज में लिखने की भी कोशिश करें, ताकि पहचान के साथ साथ आप स्मॉल एन को लिखना भी सीख सकें।